Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत का जो सीना है वो गर्व से और चौड़ा हुआ है। बैडमिंटन में अभी भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, चाहे एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, लेकिन थॉमस कप जीतना ये बहुत बड़ा कप है। नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, 1 करोड़ का नकद इनाम खेल मंत्री ने भी जो है ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक खेल मंत्री का वो ट्वीट क्यों नहीं आया, क्योंकि ऐसी जानकारी थी कि जब भी भारतीय टीम अगर इस टूर्नामेंट को जीत लेती है तो मिनिस्ट्री की तरफ से ज़रूर कुछ ना कुछ हौसला अफजाई के लिए एक मोटिवेशनल जो स्टेप उठाया जाएगा, और वही किया अनुराग ठाकुर जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट कर इस नाम की घोषणा की। लेकिन हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इस भारतीय टीम ने अपने परफॉर्मेंस को ओवर द ईयर्स जो है वो बेहतरीन किया है, वर्ल्ड लेवल तक पहुँचाया है। इसमें सिर्फ कोई एक फैक्टर नहीं है, इसमें एक कम्प्लीट टीम फैक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम है, बेहतरीन कोचेस का साथ में होना है, और साथ ही साथ प्लेयर्स का इंडिविजुअल अपने आप को बेहतरीन करने का वो सपना कि भारतीय बैडमिंटन उस दहलीज पर पहुंचे जहां पर उसे वर्ल्ड टीम वर्ल्ड चैंपियंस का जो है वो टाइटल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पिछले आप अगर देखेंगे 5-6 साल में भारतीय टीम ने हर बड़े टूर्नामेंट में मेडल हासिल किया है, चाहे वो कोई सा भी टूर्नामेंट, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो। हमने देखा कि किस तरीके से लक्ष्य सेन ने अपने आप को इवॉल्व किया, वहां पर जाके मेडल लेकर आए, उसके बाद चाहे अगर हम सुपर सीरीज की बात करें वहां पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल हासिल किया, और अब जब हम बहुत नज़दीक थे थॉमस कप में जीत के दहलीज पर थे वहां पर भी भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। कहीं ना कहीं ये तैयारी अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये तैयारी है अगले ओलंपिक्स की, पेरिस ओलंपिक्स की, जहां पर भारतीय टीम फॉर श्योर इसी तरह से कंटिन्यूस परफॉर्म करती आएगी, और मुझे उम्मीद है कि जरूर वहां पर इस बार भारत का मेडल कलर बदलेगा। नितिन, जो फाइनल मैच आपने देखा 3-0 से जो है इंडियन टीम जीती है, ये जो तीनों मैच रहे कैसे एक तरफा रहे या टफ कॉम्पिटिशन था और लेकिन लक्ष्य जीत गए, क्या हुआ था आखिर फाइनल मैच में क्या हुआ था? देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्य को थोड़ी सी चुनौती पहले मिली थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि ये मुकाबला 3 गेम्स तक चला गया था, लेकिन बाकी दोनों जो गेम्स थे उन्होंने स्ट्रेट गेम्स में जीते। सिमिलरली डबल्स के मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ, हालांकि ये जरूर मैं माफी के साथ आपको नितिन रोक रहा हूँ। पूर्व खेल मंत्री और मौजूदा केंद्र मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, किरण रिजिजू जी, बहुत बड़ा मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।